ये कितना एक्साइटिंग है, दिस इज मेरा पहला टीवी शो, कितना अमेजिंग सेट है, ओ माय गॉड, वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। और ऑडियंस, ये मेरा पहला टीवी शो है, तो कहां सुना माफ अपना दिल रखना साफ। टीवी पे पहली बार आई हो, दुनिया में तो नहीं, कैमरास वहां है, वहां देख के बात करो। इसको क्या फायदा सिखाने का, रेडियो वाली है, इसका क्या पता यहाँ पे यही शुरू कर दे। आप देख रहे हैं कलर्स 97.5 मैन। यार रेडियो वाली, डेली सोप वाला, कॉमेडियन, स्ट्रगलर, बाल वाला, बिना बाल वाला, मिमिक्री वाला, बिना मिमिक्री वाला, मेहनत वाला, किस्मत वाला, एंकरिंग वाला, इतना कुछ है हमारे शो में, तो एंटरटेनमेंट की तो पूरी गारंटी है ना। एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी है बॉस, क्योंकि ये है एंटरटेनमेंट की रात। जो पहले देखा है वो भूल जाओगे जब एंटरटेनमेंट की नई दुनिया में आओगे। जब सारे कंटेस्टेंट जाकर वहां पर बैठ गए तो तुम मुंह उठा के यहां पे क्यों खड़े हो? वो कंटेस्टेंट है, मैं सेलिब्रिटी हूं, सुपरस्टार। ए कलर्स, कैसे कैसे लोगों को शो पर ले लिया है आपने? रवि, तुम्हें पता है कलर्स वालों के पास इतने ऑप्शन है ना आर्टिस्टों के, कि कोई मेन कॉमेडियन मना कर देना, उनको चलाने के लिए इसको रख लेते हैं काम पे। तुम्हारी तरह बकवास करने वाला एक और भी रखा था, कहां है वो रघु? रघु को पता नहीं, आखिरी बार बाल डाई करते हुए देखा था मैंने। देखो, मेरा नाम लेने की हिम्मत किसने की? तेरी औकात क्या है? अरे कान के नीचे इतनी जोर से जबाऊंगा ना, तेरे पुश्तों के दांत झड़ेंगे, समझा? तू एक टकले, ये फैमिली शो है, तेरा रोडीज नहीं है ये। बलराज भाई सॉरी यार, पुरानी आदत है, पुराने शो से आदत छूटी नहीं अभी तक, अब बदलनी पड़ेगी इस फैमिली शो में, क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ बकवास खत्म हो गई हो तो मैं मेरे गेस्ट को बुलाऊं। तेरे गेस्ट के? तेरी बुआ की शादी में आने वाले शो के गेस्ट हैं वो। बुलाइए बुलाइए। तो बनेगा इस मंच पर एंटरटेनमेंट का अलग ही सीन, जब आएगा किंग स्पिन और साथ आएगी एक लड़की हसीन। सो प्लीज वेलकम हरभजन सिंह एंड वन एंड ओनली जारी। भाजी आपके साउंड को क्या हो गया? मैं तो यार तुझे कह रहा था कैसा है भाई। कि बहुत बार देखा है तू यही कर रहा होता। भाजी वहां से भी मेरा, मेरे को निकाल के आपने मेरा काम ले लिया, यहाँ भी मेरी टांग खींचने आ गया आप? नहीं, 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 नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं ये फैमिली शो है। हाँ। और यहाँ मैं अपनी इमेज चेंज करने आया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मेरे मुंह से कोई भी गलत बात निकली ना, वहाँ दान पेटी दिख रही है उसमें मैंने जुर्माना भरना है, और इतना भरना है कि रात को कम से कम गरीबों में बांट सके हम। मेरा राजा बेटा। तो बता दूं कि मैं और भज्जी भाई एक ही शहर से, जलंधर से, हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं, जिस ग्राउंड में ये खेलते थे मैं भी उसी में खेलता था। तो अगर मेरे को किसी ने यहाँ पे गरीब, बदतमीज, अनपढ़ बोला ना, तो पाजी को अगर बुरा लग गया तो फिर देख लेना। ओए गरीब, ओए तू कहना क्या चाहता है, मैं भी अनपढ़ हूँ। टैलेंट भी कोई चीज होती है। पाजी कहाँ पहुंच गया तू? एक मिनट, पाजी कहाँ पहुंच गया? और पाजी के साथ खेलता कौन था? तेंदुलकर सर, कुंबले, विराट कोहली, मेरे को दे दिया एक टकला। एक ये दे दी रेडियो वाली, वो रेडियो वाली कम रेडियो वाली ज्यादा लगती है। एक वो देखो हमको दे दिया रवि दुबे, देखो इसको, उसके पास खुद काम नहीं, डेली सो बंद हुए पड़े बेचारे के। भाई खड़े होना जरा एक बार, खड़े होना, खड़े होना एक बार, बस ये देखो इतना अमीर आदमी है सर, ये 24 घंटे 5 स्टार में रहता है। अच्छा आप देखो, ड्रेस भी वेटर की पहन के आ गया गलती से। बलराज अगर मैं वेटर भी बना ना, तो वेटरों की दुनिया का हाईएस्ट पेड वेटर होऊंगा। तू अपनी सोच सस्ते एक्टर। अच्छा एक ये बड़ा नुकसान है, आदमी की शक्ल अच्छी हो ना, बिना पंच के ताली बजा देते लोग।